गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ओवरहेड टैंक बताने जा रहा हूँ। इसका ये टोटल व्यू है, ये एलिवेशन है। इसका डिटेल एलिवेशन इस सेक्शन का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आप लोगों को जिन लोगों को स्केल लेने में दिक्कत आ रही है, वो मुझे कृपया ग्रुप में बता दें, मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी डाल दूँगा। लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स मुझे शीट दिखा रहे हैं, इससे मुझे समझ में तो आ रहा है कि बहुत ही कम लोगों को ये वाली चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुना कीजिए, जो भी टॉपिक पर मैं वीडियो डालता हूँ उस सारी वीडियो में वो जितने भी टॉपिक के डाउट्स होते हैं मैं क्लियर कर देता हूँ, अन्यथा उसके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो वो आप पूछ लिया करिए। इसके अलावा पर वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए, ऑलमोस्ट सारे डाउट्स उसमें मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे बनाना। इसको फाउंडेशन की विड्थ दे रखी है 1.75 मीटर, इसकी जो थिकनेस है 0.3 मीटर है। इसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो है 0.5 मीटर, यहाँ पे दे रखी है थिकनेस 0.3 मीटर, ये वाली जो थिकनेस है 0.5 मीटर, और ये वाली जो हाइट दे रखी है ये 0.75 मीटर। इसके बाद आपका ग्राउंड लाइन जा रही है। ग्राउंड लाइन के बाद में ये जो कॉलम्स हैं इनकी चौड़ाई जो दे रखी है वही 0.45 मीटर जो है इसकी चौड़ाई दे रखी है। इसमें जो वर्टिकल बीम्स इनको बाइंडिंग के लिए जो इस्तेमाल हो रही हैं उनकी जो थिकनेस दे रखी है वो है 0.3 मीटर। इसको पूरे को आप टोटल लेंथ ले लीजिएगा, इसकी जो पूरी लंबाई, यहाँ से आप इन सभी डायमेंशंस को ऐड कर लेंगे। जो डायमेंशन आती है मान लीजिए 20 या 15 या जो भी मीटर में आती है, तो 15 मीटर लगभग या 12 मीटर जो भी आएगी, तो आप इसको देख लेंगे एक बार स्केल पे लेकर के। अगर वो शीट पे आपके आ जाती है जहाँ तक आ जाएगी इतनी, ये अगर आप स्केल से ही लेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, स्केल की अगर लेने में दिक्कत हो तो आप लोग फिर डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं बताया तो आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम 0.35 मीटर की हाइट पर पहली बीम है, फिर देन 3.5 मीटर पर दूसरी बीम है, देन 3.5 मीटर पर थर्ड वाली। तो थर्ड वाली आपने ये देखा होगा कि इसमें कर्व जो दे रखा है, आप प्रैक्टिकली भी जब देखेंगे फील्ड में तो जो ओवरटेड टैंक्स होते हैं उनमें ये कर्व नीचे से गुम्बद सी बनी होती है। ये बहुत माइन्यूट कर्व होता है और ये होता इसलिए है ताकि जो इसका वेट है वाटर का वो साइड वाले हिस्से पर ट्रांसफ़र हो सके, मतलब मैक्स से मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका वेट है उस साइड में वॉल्स पे इसका ट्रांसफ़र हो सके और साइड की नीचे वाले कॉलम्स और बीम्स पर ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि मिडल में इसको सपोर्ट नहीं होती है इसलिए बीच से हिस्सा डॉम टाइप से रखा जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक वाटर लेवल, वाटर इंडिकेटर के लिए होता है, मतलब वाटर लेवल कितना है पानी में, टंकी में पानी कितना है इसके लिए होता है। ये फ्लोटिंग बॉल है जो एक प्लास्टिक की होती है, हॉलो होती है पूरी, ये पानी में तैरती रहती है। इसमें एक वेट भी अंदर रहता है ताकि वो जो है ये वायर पूरा खिंचा रहे अच्छे से, और ये डूबती भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, जब ये पानी का लेवल नीचे जाता है, जब ये पानी नीचे जाएगा तो ये वॉल जो है ना नीचे आ जाएगी, इससे ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। इससे पता पड़ेगा कि ये टंकी जो है वो खाली हो चुकी है, और जब ये नीचे की तरफ पूरी रहती है तो ये टंकी फुल का है। इसमें एक आउटलेट और इनलेट वॉल्व होता है और ये ओवरफ्लो वॉल्व है, मतलब पाइप है, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो टोटल विड्थ है ये 6 मीटर है, इसकी जो हाइट है वो 4.5 मीटर है। इसमें ये 100 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा है। इसका डिटेल सेक्शन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप इसको समझ लीजिएगा। इसमें जो साइड में ये रेलिंग है ये इसकी चारों तरफ होती हैं, ये इंस्पेक्शन मेन होल है, मतलब इंस्पेक्शन के लिए, साफ़ सफाई के लिए अंदर जाने के लिए होता है इतना हिस्सा मेन होल। लाइटनिंग कंडक्टर होता है इसमें, क्योंकि ये बहुत हाई राइज होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं, तो इसमें अगर बाई चांस लाइटनिंग स्ट्राइक करे बिजली कड़के तो इसमें से पूरी लाइटनिंग कंडक्टर से वो एब्जॉर्ब हो जाए। आप सभी लोग इसको कभी भी प्रैक्टिकल जा करके कहीं भी टंकियाँ ओवरहेड टैंक ज़्यादातर जगह पे होते ही होते हैं, तो आप कभी भी इसको आराम से देख सकते हैं। इसके बाहर से जो स्ट्रक्चर है उसको आराम से देख सकते हैं। ये स्टेयर्स हैं और ये लैडर है इसमें अंदर की साइड में, ताकि इसमें सफाई करने के लिए कोई उतर सके। बाकी इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें और तो कुछ है नहीं है ज़्यादा। इसमें जो भी डायमेंशंस हैं वो आप आराम से, इसके जब डिटेल्ड वाला प्लान आएगा तो आप इस हिस्से को आराम से बना सकेंगे। अभी इसको केवल पायर्स वगैरह खड़े करने हैं, बीम्स खड़ी करनी है और सिर्फ ये बनाना है।
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुन लेना, और इसके अगली वाली को तो ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें मैं डिटेल सेक्शन इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है।